हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको कोटी यानी कि जैकेट बनाना बताऊंगी तो देखिए उसके लिए मैंने ये ब्रोकेट का 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लिया हुआ है और आधा मीटर मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है और देखिए इसकी जो लंबाई हम रेडी रखने वाले हैं वो चौदह इंच की रेडी रखने वाले हैं तो एक इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने पंद्रह इंच का फैब्रिक कट कर लिया है अभी देखिए शोल्डर के लिए हमें साढ़े सात इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम आगे से डीप नेक रखने वाले हैं और पीछे से एक इंच का गला रखने वाले हैं तो शोल्डर के लिए हमें साढ़े सात इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई के लिए हमें आठ इंच पर निशान लगाना है क्योंकि देखिए ये हमारी कोटी है इसलिए कोटी का जो आम होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही होता है इसलिए हमें आम होल के लिए आठ इंच पर निशान लगाना है और आठ इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ एक इंच का ही लूजिंग देना है क्योंकि कोटी में ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है इसलिए हम सिर्फ एक इंच का ही लूजिंग रखेंगे तो मैंने 10 इंच तक का फैब्रिक कट कर करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी नेक्स्ट का फोर्थ पार्ट करके एक इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए अभी देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो बेकाम होल के लिए हम डेढ़ इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे बेकआम होल के लिए अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें सिर्फ एक इंच का ही लूजिंग देना है तो नीचे से मैंने नौ इंच पर निशान लगाया है वेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है और एक इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और साइड से भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है देखिए इस तरीके से अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें तीन इंच पर निशान लगाना है क्योंकि आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से एक इंच का गला बनाने वाले हैं और गले की लंबाई के लिए हमें एक इंच पर ही निशान लगाना है ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो बैक नेक की लंबाई हम एक इंच की रखेंगे और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ये हमारा बैक वाला पार्ट भी कट हो चुका है तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है बैक वाले पार्ट की अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा बैक वाले पार्ट से तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है तो देखिए जो खुली हुई साइड है वो हमें अपनी तरफ कर लेनी है और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो अट्ठारह इंच की रखी है ये सत्रह इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी क्योंकि फ्रंट में हम आगे की साइड से डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो फ्रंट पार्ट की लंबाई हमें ज़्यादा ही रखनी है अभी इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रख देना है तो देखिए खुली हुई साइड हमारी तरफ है अभी गले के लिए हम निशान लगा देंगे और इसका आम होल भी हमें ड्रॉ कर लेना है और नीचे तक एज इट इज ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे देखिए इस तरीके से अभी बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे और फ्रंट नेक की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे तो देखिए फ्रंट नेक की लंबाई आप आठ इंच भी रख सकते हैं और 9 इंच भी रख सकते हैं तो मैं फ्रंट नेक की लंबाई 9 इंच की रखने वाली हूँ क्योंकि कोटे की जो गले की लंबाई होती है वो थोड़ी बड़ी ही होती है इसलिए मैंने 8 इंच की लंबाई रखी है तो देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट नेक की लंबाई 8 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से वी शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट नेक की लंबाई के लिए और देखिए जहाँ पर हमारे आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है देखिए इस तरीके से अभी पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखिए इतनी कटिंग हमारी हो चुकी है अभी हम नीचे वाली साइड से इसमें शेप ड्रॉ करने वाले हैं क्योंकि नीचे से हमारा थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला शेप रहेगा अभी देखिए जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ पर हमें एक इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है क्योंकि एक इंच का हमने लूजिंग छोड़ा था तो इस तरीके से एक इंच पर निशान लगा देना है अभी देखिए जो हमने लूजिंग के लिए निशान लगाया है वहीं तक हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है इस तरीके से एक छोटा सा कट लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में अभी हम इसमें शेप ड्रॉ करेंगे तो देखिए जहाँ पर हमारी जो हमारे आगे वाली साइड है वहाँ पर हमें पाँच इंच पर निशान लगाना है नीचे से ऊपर की तरफ हम इस तरीके से पाँच इंच पर निशान लगाएंगे देखिए आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए ये जो हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ पर हमें चार इंच पर निशान लगाना है तो बैक वाले पार्ट की जो लंबाई है हमारी चौदह इंच की है तो ऊपर से हम अगर मेज़र करेंगे तो चौदह इंच ही होना चाहिए नहीं तो हमें फिटिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि ऊपर नीचे फैब्रिक हो जाएगा तो हमें इस तरीके से नीचे से ऊपर को चार इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है जो सेंटर में हमने कट लगाया है उसी के साथ मिलाते हुए और जो पाँच इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ये शेप देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और देखिए इसे हम खोलेंगे तो ये दो पार्ट हो जाएंगे आगे के लिए देखिए इस तरीके से ये हमारे दो पार्ट है आगे के लिए और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा अभी देखिए जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही हमें मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर देनी है तो देखिए मेन फैब्रिक पर भी मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट वाले दोनों पार्ट की भी और बैक वाले पार्ट की भी मैंने कटिंग कर दी है अभी देखिए पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे तो जो मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके गले में और जो शेप हमने बनाया है वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ पर और आर्म होल पर और शोल्डर पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे जो नीचे की साइड पर हमने शेप ड्रॉ किया है वहीं पर और गले पर ही हमें सिलाई लगानी है और इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा दिया है और इसमें भी हमें गले पर और जो शेप ड्रॉ किया है उसके ऊपर सिलाई लगानी है और बैक वाले पार्ट को भी हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और हमें सिर्फ नेक में और नीचे वाली साइड पर ही सिलाई लगानी है बाकी कहीं पर भी हमें सिलाई नहीं लगानी है सिर्फ़ नेक पर ही सिलाई लगाएंगे और नीचे वाली साइड पर ही सिलाई लगाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है नेक पर भी और नीचे की साइड पर भी अभी गले पर ये हमारा राउंड वाला शेप है तो इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने होंगे और कट लगाने के बाद अस्तर को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है देखिए इस तरीके से अस्तर को हम उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है गले में भी हम कवर सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड पर भी हमें कवर सिलाई लगा देनी है और कवर सिलाई लगाने के बाद जो खुली हुई साइड है वहाँ पर भी हम सिलाई लगा कर इसे अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से हम सिलाई लगा कर इसे अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद देखिए फ्रंट वाले पार्ट में भी मैंने सिलाई लगा दी है अभी इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि ये हमारा राउंड वाला शेप है नीचे की साइड से तो इसमें भी हमें कट लगाने बहुत ही ज़रूरी है और कट लगाने के बाद अस्तर को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके कोनों को भी अच्छे से बाहर निकाल लेना है और इसके ऊपर भी हम कवर सिलाई लगाकर इसे भी अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से और दूसरे पार्ट में भी मैंने सिलाई लगा दी है अभी दूसरे पार्ट में भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर भी पहले हम कवर सिलाई लगाएंगे और जो खुली हुई साइड है, वहा है वहाँ पर भी हमें इसमें सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेना है तो देखिए मैंने बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है कवर सिलाई भी लगा दी है और साइड से भी मैंने इसमें सिलाई लगा कर अस्तर के साथ इसे ज्वाइंट कर लिया है और फ्रंट के दोनों पार्ट भी मैंने रेडी कर लिए है कवर सिलाई लगाते हुए अस्तर के साथ इसे ज्वाइंट कर लिया है तो इस तरीके से दोनों पार्ट भी हमारे रेडी हो चुके हैं अभी देखिए इस वाले पार्ट में आप चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं या फिर हाई हुक की पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें बटन्स भी लगा सकते हैं ये आपके ऊपर है तो देखिए मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी लगाने वाली हूँ क्योंकि उसमें हाई और हुक लगाने वाली हूँ आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं तो पहले पट्टी को हमें इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर लेना है और देखिए जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसके ऊपर ही हम पट्टी को अटैच करने वाले हैं तो एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और नीचे से भी आधा इंच तक पट्टी हमें एक्स्ट्रा रखनी है फोल्ड करने के लिए और पहले हम निशान लगा लेंगे कि कहाँ तक हमें पट्टी को अटैच करना है और देखिए आधा इंच पट्टी हमारी एक्स्ट्रा होनी चाहिए अभी जो हमने निशान लगाया है उतनी पट्टी को हम नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी आधा इंच तक पट्टी को फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमें इसके नीचे पट्टी को रखना है और आधी पट्टी बाहर की साइड रखेंगे और आधी पट्टी अंदर की साइड रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए मैंने सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर लिया है में हम इसके ऊपर आइस बनाएंगे और ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें नीचे की साइड पर हम हुक लगा देंगे तो इस तरीके से हम इसे अटैच यानी कि बंद कर सकते हैं आगे की साइड से देखिए इस तरीके से हमारे फ्रंट वाले दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं अभी बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट के दोनों ही पार्ट हम उल्टे रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है दोनों साइड के शोल्डर को आधा इंच का गेप रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड से तो देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है दोनों ही साइड से अभी हमें इसका आर्म होल रेडी करना है तो आप चाहे तो इस कोटी में स्लीव भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसे स्लीवलेस रखने वाली हूँ तो इसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे तो सीधी साइड से ही तिरछी पट्टी को इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है तो इस तरीके से दोनों ही आर्म होल पर हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है देख सकते हैं आप अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और हमने एक इंच का ही लूजिंग छोड़ा था तो दोनों साइड से हमें एक इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर देनी है क्योंकि कोटी हमारी थोड़ी लूज ही होती है तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से अभी देखिए ये जो पट्टी हमने लगाई है उसके ऊपर हम आइज बना लेंगे और दूसरी साइड पर हम हुक लगा लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं और दूसरी साइड पर आप बटन हॉल बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऊपर की साइड से इसमें कोई डेकोरेटिव बटन्स भी लगा सकते हैं हुक एंड आइज लगाने के बाद और इसी के साथ ये हमारी कोटी यानी कि जैकेट बनकर रेडी हो गया है और यह है इसका फाइनल लुक आप इसे किसी भी प्लेन ड्रेस के ऊपर या फिर प्लेन गाउन के ऊपर पहन सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लुक देता है सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स